कलयुग में शास्त्रों में कहा गया केवल हरि नाम शुद्ध भागवत आश्रय इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। ये बात डंके की चोट पर गोस्वामी जी ने कहा। एही कली काल न साधन दूजा, इतना खुला इतना स्पष्ट उन्होंने जो कहा वो सभी साधनों का नाम गना गिना करके फिर भी जीव न समझे तो क्या करें। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप व्रत मख पूजा। ये उन्होंने घोषणा किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है रामायण के ही बड़े बड़े पंडित लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, जाने वो गोस्वामी जी के अभिप्राय को समझ पाए कि नहीं पाए। मख यज्ञ व्रत ये सब कलयुग में है ही नहीं है, केवल यहां भगवान का नाम भगवान के गुण और कुछ नहीं। राम ही सुमिरिया गाय राम ही राम गाय राम ही राम नाम गाओ कीर्तन करो संतत सुनिए राम गुण ग्रावे। ये अनन्य साधनों की अनन्य भगवान की भक्ति की ये जो उन्होंने कहा वो ऐसी निष्ठा जाना बड़ा कठिन है। और देखा गया है कि बल्कि वृंदावन में वृंदावन के अन्य कभी भी चाहे वो युगल उपासक नित्य विहार उपासक हैं वो कभी यज्ञ वज्ञ नहीं करते, कभी भी सपने में भी नहीं सुना गया। समाज करेंगे भगवत गुण गायन करेंगे, लेकिन जितने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वो देखा गया है राजस्थान आदि में तपसी लोग महात्यागी लोग त्यागी लोग यही लोग किया करते हैं। इसीलिए नाभाजी ने कहा कि कलयुग में कुटिल जीवों को निस्तार के लिए ये वाल्मीकि जी तुलसीदास बन के आए और शुद्ध भक्ति के साधनों का उल्लेख किया आदेश दिया। इतने निर्णयात्मक ढंग से उन्होंने कहा है विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में उत्तरकांड में आता है संस्कृत में कहा है जोर देने के लिए कि मैं निश्चित कहता हूं विनिश्चितम बदामिते निश्चय 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 करके कह रहा हूं, लेकिन फिर भी हम जैसे लोग नहीं समझ पाते। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में मेरी वाणी कभी अन्यथा नहीं हो सकती। हरिम नरा भजन्ति ये दुष्ट राम तरन्ति ते, केवल भगवान की विशुद्ध भक्ति से ही भवसागर पार हो जाओगे। भक्ति के साधन यही हैं, भगवत गुण गान गाओ भगवन नाम और सब कुछ नहीं। कृपा करो राधा रानी कृपा करो।